वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर कलर में अंडर पेंटिंग कैसे करते हैं। तो आज मैं अपने दादाजी की पेंटिंग बना रहा हूँ एंड इस पेंटिंग को बनाते बनाते हम बात करेंगे ये अंडर पेंटिंग वाली टेक्निक के बारे में। इनकी एज अराउंड 95 होगी और ये जो फ़ोटो है वैसे काफ़ी हाई क्वालिटी है, काफ़ी सारे डिटेल्स विजिबल हैं इसमें एंड काफ़ी टाइम लगने वाला है इसको बनाने में। तो सबसे पहले मैं आइज़ से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज़ मैंने पहले कुछ पेंटिंग्स करी थी जिसमें मैं बाकी सब पहले बना ले रहा था एंड आइज़ बाद में बना रहा था, बट वो काफ़ी अजीब लगता था देखने में एंड वीडियो में तो और भी अजीब लगता है कि वो बीच में खाली एरिया काफ़ी टाइम तक रहता है। तो इसलिए अब मैं सारी अपनी पेंटिंग्स में आइज़ सबसे पहले बनाता हूँ एंड उसकी वजह से पहले ही अच्छा सा लुक आने लगता है एंड लगता है कि हाँ कुछ बन रहा है। उसके बाद फिर इस पेंटिंग में लाइक आई सेड वाटर कलर हम लोग यूज़ करेंगे एंड तो जैसे अंडर पेंटिंग की जो टेक्निक होती है जिसकी मैं आज बात करनी है वो सबसे इनिशियल लेयर होती है एंड उसका जो पर्पज़ होता है उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी वैल्यूज़ यानी कहाँ पे डार्क एरिया होना चाहिए कहाँ पे लाइट होना चाहिए वो हमारा सेट हो जाता है एंड उसको यूजली हम एक सिंगल कलर ही पिक करके करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं ब्लू और ग्रीन का मिक्स यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली इसको इंस्टाग्राम पे लोगों को यूज़ करते हुए देखा था एंड मैं ट्राई करना चाहता था खुद से, तो एक्चुअली मैंने इसको ट्राई भी किया था पहले एक अपनी पेंटिंग में, शेरलॉक की पेंटिंग बनाई थी कुछ महीने पहले, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो उसमें मैंने कैसे यूज़ की है टेक्निक। बट वहाँ पे मुझसे आई थिंक कुछ गलतियाँ हो गई, ऑल द पेंटिंग फाइनली ठीक ठाक बन के आ गई थी बट उसमें कुछ गलतियाँ थी जहाँ पे मैंने ज़्यादा ब्लू यूज़ कर लिया था। ब्लू कलर में मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी मिक्स कर दिया है तो जो पूरा ब्लू और ग्रीन का मिक्स था बहुत ही वाटर डाउन वर्जन है, बहुत ही ज़्यादा पानी मिलाया उसमें जिससे वो एकदम लाइट सा टोन रहे और अंडर पेंटिंग ही लगे, वो ओवर पावर ना करने लगे पूरी पेंटिंग को। तो या आप शेरलॉक वाली वीडियो में देख सकते हो टेक्निक को। तो इसमें शुरू करने के लिए सबसे पहले जो आपकी रेफरेंस फ़ोटो है या जो जहाँ से भी आप ड्रॉ कर रहे हो वहाँ पे आप देखो सबसे पहले डार्केस्ट एरियाज़ कहाँ पर हैं पूरे फ़ोटो में। तो जो भी डार्केस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे आप ये जो हमने ब्लू एंड ग्रीन का मिक्स बना रखा है इसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। इसके बाद फिर उसमें भी जो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट एरियाज़ होंगे मतलब डार्क एरिया में भी जो डार्केस्ट एरिया है वहाँ पर आप इसका और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लगाओ, मतलब थोड़ा जब पानी सूख जाए उसमें से जो आपने मिक्स बनाया है उसके बाद उसको लगाओ। तो जैसे मैं यहाँ पे लगा भी रहा हूँ अभी, आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग की लेयर थी वो बहुत ही पतली लेयर थी, उसके बहुत ही पानी मिला हुआ था उस लेयर में एंड जो अगली लेयर है उसमें वो थोड़ा और कॉन्सेंट्रेटेड कलर है और ज़्यादा डार्क कलर है। तो बस इसी तरीके से हम लोग अंडर पेंटिंग को कम्प्लीट करते हैं। बाकी इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो एंड नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहाँ पे मैं एक्टिव हूँ एंड रिप्लाई करता हूँ। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर स्किन टोन डालना स्टार्ट करेंगे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वो, तो सब्सक्राइब कर लेना आप नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपको। एंड बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।